तो गाइस पहुंच चुके हैं हम एक पार्किंग दिखा है बीच के रास्ते पे, जीपीएस पे आ रहे हैं। ये रोड जीपीएस पे नहीं मार्क्ड है तो, बट हमने पूछा था लोकल से तो ये एक रास्ता है वहाँ पे कोला बीच पे। तो देखते हैं, यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ खड़ी है तो यहाँ लगा देना, सेफ़ है। नीचे पता नहीं रास्ता कैसा होगा, तो जस्ट सेफ्टी के लिए हम यहाँ लगा रहे हैं। यहाँ से पास ही होना चाहिए, बीच तो हो रहा। तो गाइस ये बहुत ही मस्त स्टेप्स बनी हुई है, सामने मुझे वाटरफॉल भी दिख रहा है। अच्छा वाटरफॉल भी थे क्या इधर? वाह सी दिख रहा है यहाँ से देख। तो विजय का आदेश है अभी कि कपड़े लेके आ रहे हैं हमको नहाने के लिए। हमने जो एक्टिवा की डिक्की में रख दिए थे, क्योंकि यहाँ एक वाटरफॉल है जो हमें पता नहीं था। तुझे पता था क्या वाटरफॉल का? हाँ। बताया क्यों नहीं मुझे? श्योर नहीं था। ये है कपड़े जो कोला बीच पे गीले हुए थे, अभी वाटरफॉल पे काम आएंगे। तो गाइस काकोलिम बीच पे जाने का रास्ता काफी सही है यार, मतलब अलग लेवल का रास्ता है ये। और अपना ये बंडाना एकदम डिवाइन जैसा लुक आ रहा है। बंडाना बंडाना गैंग। तो गाइस आ चुके हैं हम काकोलिम बीच। वो देखो वहां पे एक वाटरफॉल। कहां पे? ओके बोट। तो ये बीच भी काफ़ी सही है, कुछ 10-12 लोग वैसे दिख रहे हैं। इसका आने का रास्ता काफ़ी सही था, पूरा कोकोनट बीच के, कोकोनट ट्रीज के बीच में स्टेप्स बना हुआ था, अलग लेवल का था यार। For the light of a foreign sky, flying to the forces above this light. So guys, अभी वाटरफॉल एक छोटा सा, वहाँ जा रहे हैं नहाने। मस्त एकदम बीच पे वाटरफॉल है भाई, अलग। तो गाइस विजय पहुँच चुकी है वाटरफॉल, तो अपन भी जाते हैं। पहुंच गए वाटरफॉल। बहुत मस्त पानी है, दिख पा रहा हूँ ना? हाँ दिख रहा हूँ। यही वाटरफॉल में मिल गया, आए तो बीच देखने थे। सही है। हो गया वाटरफॉल, ठीक है थोड़ी देर गीले होने के लिए। हाँ पानी भी पी लिया, यहाँ पे बोतल नहीं थी हमारे पास, बोतल भर तो सकते हैं बट जाएगा कौन वापिस। तो ये वाटरफॉल हो गया नहाना, अब बस निकल रहे हैं हम काबो दे रामा फोर्ट के लिए। पार्किंग पे आ गए हैं। ओह स्टेप्स चढ़े, थोड़े थक रहे हैं, बस बिना देरी किए अब निकलेंगे। अभी हो गया है 3:45। पानी के लिए एक स्टॉप लिया है, सामने दुकान मिला है बीच में। गाइस आ चुके हैं काबो दे रामा फोर्ट और ये एंट्री ले रहे हैं, थोड़ी ग्रांड सी एंट्री। स्वागत किया जा रहा है यहाँ के लोकल्स गायों से। यहाँ पे एक चर्च था, बंद है दरवाजे, सफाई वफाई हो रही है।
तो फोर्ट देख लेते हैं अपन। फोर्ट के दोनों साइड से सी दिखता है, तो देखते हैं व्यू पॉइंट कहाँ पर है अच्छा सा कोई। फोर्ट की वॉल, खिड़की ये मैं, ये तुम, ऐसा के दिखाओ जैसा के बोल रहा है। कौन गुत्ती? अरे वो गुत्ती आते हैं ना कपिल शर्मा के शो में। अच्छा, हेलो है ना। अच्छा अच्छा, ये था व्यू मस्त। अब अभी अगला और ढूंढते हैं, कुछ अच्छा होगा तो व्यू। चलो चलते हैं। या कचरा, ये है दूसरा पॉइंट जो आए हम। एक नंबर यहाँ पे वो पूरा गोल जो होता है ना फोर्ट का, फोर्टर्स क्या बोलते हैं उसको, बुरज मराठी में, वो काफ़ी सही था। तो सही व्यू था, थोड़ा ड्रोन वोन उड़ गया तो मज़ा भी आ गया। तो और कुछ व्यू पॉइंट है शायद आसपास, वो देख लेते हैं। फोर्ट में तो व्यू पॉइंट ही है मेनली, और कुछ ऐसा ज़्यादा है नहीं। और यार गोवा में इस बार तितलियाँ बहुत अच्छी दिख रही हैं, मस्त कलरफुल कलरफुल, इसके पहले तो देख ही नहीं, होगी तो सही। वो सही लग रहा है काफी। तो गाइस ये व्यू पॉइंट देख लिया, क्या नाम है, काबू दे रामा व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट है, यहाँ से फोर्ट दिखता है शायद, तक नहीं दिख रहा फोर्ट का पता नहीं, बट ये व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है। स्पेशली जो नीचे बीच है ना, उसका पानी बहुत ही ज़्यादा क्लीन और थोड़ा ग्रीन, मतलब वो ग्रीन टाइप वाला दिख रहा है, बस थाईलैंड ज़्यादा पानी दिख रहा है पूरा। तो काफ़ी सही पॉइंट है ये, मज़ा आया यहाँ पे, काफ़ी फोटोग्राफ्स खींचे हमने, बहुत सही जगह है मतलब। और सनसेट हो रहा था तो एक्चुअली बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। अभी तो सन गायब हो चुका है बट है बादल बहुत हैं अभी, एक्चुअली क्लाउडी है काफ़ी वेदर, तो उस वजह से नहीं दिख रहा है। तो अभी बजे हैं 6:00, 6:05 का देर है, तो अब निकलना चाहिए क्योंकि अंधेरा हो जाएगा। ये आदमी ऐसा नहीं लग रहा है, आदमी सोया हुआ है, दाढ़ी वाला परेश सोया हुआ लग रहा है। इसका नाम इसलिए तो नहीं कहीं लेजी में। मुझे तो लग रहा है, आपको लग रहा है तो कमेंट करना। सुंदर सी जगह पे हमारी ये गाड़ी। This present time.